आम आदमी के जेब को एक जोर से धक्का दिया। आम जनता पर एक के बाद एक वार हो रहा है। हम भारत सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इस देश की आम जनता की जो पीड़ा है वो आपको क्या दिखती नहीं है? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आज से नया साल शुरू होता है, पर हमें दुख है कि नए साल के 1 जनवरी को ही भारत सरकार ने आम आदमी के जेब को एक जोर से धक्का दिया। आप सब अवगत हैं कि भारत सरकार की ये घोषणा है कि रेलवे जो फेयर्स है उनको बढ़ाया गया है, और सिर्फ वही नहीं पर दुख है ये सुनकर कि उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ा दिया है। पिछले कुछ महीनों से या सालों से हमने देखा है कि देश की अर्थनैतिक व्यवस्था का इस तरह से बदहाल है, आम जनता पर एक के बाद एक वार हो रहा है। मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगी कि गैस सिलेंडर के दाम को जो बढ़ाया गया है, अगर उसकी तुलना दिसंबर 2019 के दाम के जनवरी 2020 से तुलना की जाए तो हम देखते हैं कि दिल्ली में पहले 695 था गैस सिलेंडर पर, जनवरी से 714 रुपये हो गई है। अगर हम कोलकाता के गैस सिलेंडर का दाम की तुलना दिसंबर और जनवरी की करें तो दिसंबर में 725 रुपये 50 पैसे थी, आज 747 रुपये है। अगर हम मुंबई की ओर देखते हैं तो 665 रुपये थी दिसंबर को, आज 684 रुपये और 50 पैसे हैं। इसके साथ आप जोड़िए कि रेलवे का जो दाम बढ़ाया गया है, हम सब अवगत हैं कि भारतवर्ष की आम जनता करीब 2,30,00,000 से ज़्यादा लोग रेलवे पर आज ट्रैवल करते हैं। कितना दाम बढ़ा है अगर उसकी तुलना हम करें तो साधारण जनरल नॉन एसी में वृद्धि हुई है 1 पैसे पर किलोमीटर। इसका मतलब अगर हम 2000 किलोमीटर की जर्नी करते हैं उसमें 20 रुपये बढ़ा है। अगर हम नॉन एसी स्लीपर का दाम देखते हैं 2 पैसा पर किलोमीटर वृद्धि हुई है, इसका मतलब 2000 किलोमीटर में 40 रुपया। अगर हम एसी क्लास देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं 4 पैसे की वृद्धि हुई है पर किलोमीटर, इसका मतलब 2000 किलोमीटर में 80 रुपया। हम भारत सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इस देश की आम जनता की जो पीड़ा है वो आपको क्या दिखती नहीं है? आपने पहले देश में बेरोजगारी इस हद तक बढ़ा दी, आपने देश में अगर देखे तो ग्रामीण उपभोग इस तरह से गिर गया है, लोग दाल नहीं खरीद पा रहे, तेल नहीं खरीद पा रहे, अब आपने रेलवे टिकट का भाड़ा बढ़ा दिया है, आपने आम जनता जो एलपीजी गैस नॉन सब्सिडाइज जिस पे निर्भर है आपने उसका दाम बढ़ा दिया है। हम मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि देश में जो चल रहा है, देश को उम्मीद थी कि नए साल में शायद भारत सरकार आम जनता को रहम दिखाएगी या उनके लिए कुछ ऐसा कदम ठोस उठाएगी कि उन पर बढ़ती हुई पीड़ा को हम कम होते हुए देखेंगे, पर हमें दुख है कि नया साल का आज दिन है पर आम जनता के ऊपर जो फिर से एक वार किया है भारत सरकार ने उसको हम कंडेम करते हैं। आई स्पीक ब्रीफली इन इंग्लिश। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स इन द मीडिया एंड ऑल द व्यूअर्स। टुडे इज द 1st of January 2020। गिवन द स्टेट ऑफ द इकॉनमी इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, गिवन द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज स्प्रेडिंग लाइक फायर इन द कंट्री, given the price rise of essential commodities,
and commodities on which a basic common man depends. We had hoped that the government of India will give some policy or some reprieve or respite to the common man. But I am sad to say the two announcements that have been made by the government of India only puts a common man into a deeper financial economic crisis. Today, we are sad to say that the railway on which more than 2 crores 30 lakh people depend, the common man depends on traveling, the fares have been raised. Secondly, the LPG gas cylinder prices, non-subsidized, have once again boomed. The question is, when is this travesty going to end? Let me give you a small briefing on what is the rise in the railway fare. There is a raise on the general non-AC of 1 paisa per kilometer, effectively meaning every 2,000 kilometer, it will be 20 rupees. If we look at the non-AC sleeper, it is a rise of 2 paisa per kilometer, which means 40 rupees on 2,000 kilometers. Now, AC class, 4 paisa per kilometer, which adds up to 80 rupees every 2,000 kilometer. If you think about it, 1 paisa sounds small, 2 paisa sounds very little, and 4 paisa sounds very small amount. But add to that the state of the economy, the rise in unemployment, the fall in rural consumption, where even dal and normal cooking oil is unaffordable. How is the common man going to enter 2020 with these kind of, I feel, injustice towards the poor people? If you look at the gas cylinder, the rise per city-wise, if I were to give you a small comparison, in December in Delhi, a gas cylinder was for 695. It is now, in the month of January 2020, 714 rupees. In Kolkata, in December, it was 725.50. Today, it has gone up to 747 rupees. Comparatively, in Bombay, from 665 rupees per cylinder in December, it has gone up to 684.50. So we want to ask a simple question to the government of India, that while the country is in turmoil for various reasons, and most of all because of the economic crisis, is this a fair New Year gift to the common man of the country? And the Congress party believes it is not. Any questions?